क्लास ट्वेल्थ सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज टू पॉइंट वन का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू कैसे करेंगे देखिए, लेट लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू अब देखिए एज वी नो एज वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इन ऑफ एक्स ये पता है स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको पता है सब बता रखा है ठीक है इन इन फॉर्मूलास को आपको अच्छे से याद करना है आपको आनी चाहिए ठीक है अब देखिए अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हमारा माइनस साइन इन ऑफ एक्स केक्वल होता है तो वाई हमारा कितना है साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू है ठीक है अब ये वाला अगर हम कंसेप्ट लगाते हैं तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या बचेगा साइन इनवर्स ऑफ वन बाई टू और ये किसके इक्वल हो जाएगा वन बाई टू साइन थर्टी साइन थर्टी मतलब पाई बाई पाई बाय सिक्स ठीक है तो हम क्या है नो वी नो साइन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू वन बाई टू therefore फोर साइन पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन बाय टू वन बाई टू समझ आया स्टूडेंट्स ठीक है साइन थर्टी इज इक्वल टू वन बाय टू एंड साइन पाई by सिक्स इज इक्वल टू वन by टू ठीक है तो हमारे यहाँ पे वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स यहां से देखिए साइन इनवर्स वन बाय टू हमारा पाई बाय सिक्स हो जाएगा तो हम लिखेंगे वाई इज इज इक्वल इक्वल टू टू माइनस माइनस पाई पाई सिक्स सिक्स ठीक है उसके बाद हम क्या लिखेंगे हमारी साइन इनवर्स की रेंज बता रखी है आपको सिंस रेंज ऑफ रेंज ऑफ साइन इनवर्स साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है माइनस पाई बाई इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई अब देखिए माइनस पाई बाई सिक्स इसमें लाई कर रहा है कर रहा है देयर फोर द प्रिंसिपल वैल्यू इज दिंसिपल सिक्स ठीक है स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने करना है अब अगला क्वेश्चन देखिए कोस इनवर्स रूट थ्री बाई टू सेम करेंगे लेट वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स रूट थ्री बाय टू अब यहाँ पे कोस आ जाएगा तो कोस वायवल टू कोस थ्री बाई टू ठीक है स्टूडेंट्स अब देखिए कोस थ्री बाय टू पे कर लीजिए कोस थ्री बाई टू इसका मतलब क्या हुआ ठीक है कब होता है कोस सिक्सटी डिग्री कोस सिक्सटी डिग्री होता है नहीं साइन सिक्सटी होता है साइन सिक्सटी मतलब कोस थर्टी दैट इज कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं हाँ सर यहाँ पे कोस नहीं आएगा ये कोस इधर आ गया कोस वाई इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू है तो वाई किसके इक्वल हो गया पाई बाई सिक्स हो गया वाई किसके इक्वल हो गया पाई बाई सिक्स हो गया ठीक है क्योंकि कोस थर्टी हमारा रूट थ्री बाई टू होता है और थर्टी को हम लिख सकते हैं पाई बाई सिक्स अब हमने क्या लिखनी है रेंज रेंज क्या होती है रेंज ऑफ कोस इनवर्स कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है जीरो टू पाई क्या ये पाई जीरो टू पाई के बीच में पाई बाई सिक्स लाई कर रहा है हां जी कर रहा है देयर फोर प्रिंसिपल वैल्यू इज प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई बाय सिक्स ठीक है स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है